राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के तहत फिट इंडिया द्वारा जन जागरूकता के उद्देश्य से एक मैराथन का आयोजन रामगढ़ ताल स्थित जेट्टी पर किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, CMO डॉक्टर SK तिवारी, SIC डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी डॉक्टर NK पांडे, डॉक्टर OP राव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौड़ में प्रतिभागियों ने स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर मैराथन के विजय प्रतिभागियों को DM ने पुरस्कृत किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी KVN पांडे ने लोगों को स्वच्छता तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के लिए शपथ दिलाई। अपने संबोधन में DM ने कहा कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी समाज भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए सफाई पर विशेष ध्यान दें और स्वच्छता को अपनाएं। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी KVN पांडे ने कहा, आदरणीय DM सर आ चुके हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों से, सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, कृपया प्रतिभाग शपथ के लिए एक बार आप लोग खड़े हो जाएं। भारत का सच्चा एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्लास्टिक प्रदूषण से भारत भूमि को मुक्त कराने के लिए यहां शपथ लेता हूं कि कार्यदारी करते समय अपने स्वयं के कपड़े का, थैला का, बैग का उपयोग करेंगे। खरीदे गए सामानों के लिए दुकानदार से यहाँ किसी अन्य से प्लास्टिक के बैग या ताली की मांग नहीं करूँगा। मैं खाने एवं भोजन के लिए पुनः उपयोग में लाई जा सकने वाली क्राकरी की उपयोग करूंगा एवं सिंगल उपयोग के प्लास्टिक का बहिष्कार करूंगा। पानी के लिए भी मैं प्लास्टिक की बोतल के स्थान पर पुनः उपयोग को सकने वाली कांच या स्टील आदि की बोतल का ही उपयोग करूंगा। अपने देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों व समुद्र आदि में किसी को भी प्लास्टिक सहित अन्य कचरा आदि को नहीं फेंकूंगा और ना ही किसी अन्य को फेंकने दूंगा। अपने समाज, अपने धन कार्यस्थल, किसी भी उत्सव के दौरान प्लास्टिक के बर्तनों जैसे प्लास्टिक चम्मच ग्लास आदि का बहिष्कार करूंगा। ऐसे उत्सव आदि में पुनः उपयोग की जा सकने वाली प्राकृतिक के उपयोग को बढ़ावा दूंगा। मैं यहाँ भी शपथ लेता हूँ कि मैं सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण की जानकारी दूंगा व उनको भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार एवं कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने पर प्रेरित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। सुनील यादव जी काफी दूरी बना के रखा था, कवर कर रहे थे, काफी कवर कर रहे थे दौड़ में। अंतर से इन्होंने सेकंड से चूके हैं ये, लेकिन अगली कोशिश इनकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा था। आकाश गुप्ता जी आपने भी बहुत अच्छा दौड़ लगाया है। खेलते हैं गोरखपुर लीग में, इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मानस जी पूरा 2 किलोमीटर दौड़े हैं और अगली बार बढ़ा लेना, बहुत अच्छा दौड़े हैं। कृपया
और बहुत फिट रहते हैं, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं सर, अखंड दौड़े हैं, अच्छा प्रदर्शन किए हैं। साथियों, मीडिया साथियों, आज वैसे तो 150 साल जन्म महोत्सव महात्मा गांधी जी का मना रहे हैं और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी तो आज जन्मोत्सव है, तो दोनों का हम लोग धूमधाम मना रहे हैं। हर गांव में फिट इंडिया का जो आज नारा है उसी के लेके हम लोग एक तरफ पर्यावरण से जोड़ते हुए एक संदेश दे रहे हैं कि तो फिट इंडिया केवल एक आदमी का अपने तंदुरुस्त नहीं रखना है, अपने परिवार को भी तंदुरुस्त रखना है, देश को भी फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है। आज जो प्रदूषण जो हम लोग के जो आपस में खासतौर पर प्लास्टिक के रूप से एक तरफ दुनिया के अंदर हम लोग हर जिंदगी में ऐसे घुस गया है, बिना उसका हम जी नहीं सकते। सुबह सुबह जो सब्जी खरीदने से लेके वाटर बॉटल लेके जाने से लेके जो चीज़ है आप तो आसपास जो देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसी के वजह जो प्रदूषण में कितने हो गया है और उसका तो बाहर से कराने के लिए हम लोग को यथासंभव तो 3-4 साल से प्रयास हो रहा बट हो नहीं पा रहा। आज इसलिए तो शासन ने तो 1 तारीख से यानी कल से ही तो प्रतिबंध लगा दिया सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। इसी का आपका असर देखने में 1-2 साल में ही मिलेगा। आपको याद होगा तब राज्य सरकार ने जो प्लास्टिक का बैन लगाया यानी खासतौर पर जो पॉलीथीन बैग का 20 mm के नीचे का पॉलीथीन बैग बेचना मना हो गया था, तब से हम लोगों को सफाई में इतने सुधार हुआ है। JEE का केसेस है जो CMO साहब बेहतर बता रहे हैं उसी की वजह अच्छा खासा गिरावट हुआ है, एवं खुले में शौच मुक्त अभियान की वजह हम 6 लाख शौचालय यहाँ बनाया, उसी की वजह ग्रामीण इलाका में भी जो कितने बीमारी अक्सर होता था वो डायरिया डिसेंट्री जो भी है उस पर संक्रमण संबंधित बीमारियाँ वो अक्सर कम हो गया। अभी हम लोग जो फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से बढ़ा रहे हैं इसका 2-3 संदेश मैं आपसे भी अपील कराना चाहता हूँ। हम भी तो रोज को आधे घंटे से 1 घंटे अपने के लिए स्पेंड करता हूँ ताकि आप शरीर तो देखिए आप आत्मा कहाँ रहती है, तो शरीर के अंदर ही तो रखना होगा उसको। एक दिन तो आत्मा बाहर चले जाता है उसको तो बस मुर्दा कहते हैं, उसको तो मर गया कहते वो जो आप तो हम लोग आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन के लिए कितने कवच लगा के रखते हैं बढ़िया से, जो भी चीज़ है हम लोग देखभाल करते हैं यार। जो आपका जो ऐसे आत्मा है उसको उसका तो प्रोटेक्शन करने वाले आपका जो हाथ है शरीर है जो भी है जो दिमाग है जो भी है अंग होता है ये इसके अलावा जो आपका आत्मा कहाँ रह सकता है, यानी जीवन रहने का यही एक कवच है। किसी को आप सही से नहीं रखेंगे तो फिर तो आपको अब मुझे आश्चर्य लग रहा है 30-45 साल में जो किसी का डायबिटीज़ है किसी का जो BP है ये कहाँ से हो जा रहा था कि लाइफ स्टाइल का बीमारी की वजह हो रहा है। खासतौर पर जो आप जो खाते हैं पीते हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ जंक फूड के कैटेगरी में कहते हैं खासतौर पर जो घर में नहीं बना सकते उसको मत खाइए, जो घर में जो बना सकते केवल उसी के खाइए और बाहर जो भी चीज़ मिलता है उसी के कम से कम खाइए, कम से कम प्रयोग करिए, आपके घर पे ही लेके जाइए जो भी है मैक्सिमम। मतलब हम लोग को यूज रीयूज यही तो हम लोग का परंपरा रहा है, यूज एंड थ्रो है हम लोग का परंपरा ही नहीं रहा है कभी भी है। और ये मैं बताता हूँ ये हम लोग के रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होता है, जो हम लोग कहते हैं ना जो मान लीजिए जो चीज़ है आप याद होगा पीढ़ी से पीढ़ी हम लोग एक चीज़ पहले प्रयोग करते थे, हम लोग दादा का जो कपड़ा मतलब एक याद में रखना तो एक गर्व महसूस करते हैं, उन्हीं के चीज़ को हम लोग यादगार में रखते हैं। आज का क्या हो रहा है कलम से लेके सारे चीज़ यूज एंड थ्रो, एक बार प्रयोग करो फेंको, ये चीज़ हमारा रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होता है, हम लोग दूसरे आदमी के भी ऐसे पहचानने लगेंगे यार ये तो इसी काम का इसके बाद उठा के फेंको। मैं तो कह रहा हूँ तो पुराना परंपरा हम लोग का परंपरा है उसको लाना होगा, ये इसी के माध्यम से लाएंगे, पहले जो एक चीज़ एक मटेरियल के रूप से आएगा उसके बाद हैबिट के रूप से बदलाव हो जाएगा। एक छोटी छोटी चीज़ है, ये सारे प्रेरणा हम लोग महात्मा गांधी से ही लिए हैं इसलिए तो आपको बता रहे हैं, तो आप लोग जाकर के और भी शेयर कर लीजिए, रोज़ कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे अपने के लिए स्पेंड कर लीजिए, आपको फिट रखिए, परिवार को फिट रखिए, देश को फिट रखिए, ये मेरा अपील है। जय हिंद जय भारत। आज से संचालित और हर प्रोग्राम में भी दिखेगी और आप फिट रहेंगे स्वस्थ रहेंगे और अपने जनपद को पॉलिथीन मुक्त करेंगे। धन्यवाद। देखिए आयुष्मान भारत योजना पखवाड़ा हम पिछले 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक मनाया जाना था, एक्चुअली ये उसी के अंतर्गत फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत हमको एक मैराथन मिनी मैराथन का आयोजन करना था और ये 29 तारीख को ही प्रस्तावित था लेकिन उधर मौसम खराब हो गई बारिश वगैरह के चलते हम आज गांधी जयंती के दिन इस फिट इंडिया मूवमेंट को जारी रखते हुए आज मैराथन का आयोजन किए हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग और अन्य पब्लिक के लोग इसमें शामिल हुए और लगभग 3 किलोमीटर की दौड़ हमने पूरी की। साल का जन्म महोत्सव महात्मा गांधी जी का मना रहे हैं,
साथ साथ लाल बहादुर जी शास्त्री के भी जन्म उत्सव के रूप से मना रहे हैं, साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट के भी एक प्रेरणा लेते हुए गांव में और शहर में हम लोग एक अभियान के तौर से चलाएं। तो आपने शरीर तंदुरुस्त रखें, फिट रखें, साथ साथ परिवार को फिट रखें और देश को पर्यावरण को फिट रखें, उसी के एक संदेश के रूप से आज एक सुबह कार्यक्रम हुआ है, रैली हुआ था, मैराथन दौड़ हुआ था यहाँ, उसी के हम लोग प्राइज बांटने के लिए आए थे। मैं जनता को भी अपील कराना चाहता हूँ जो पर्यावरण में जो ज़रूर ध्यान दीजिए, खासतौर पर जो वन टाइम यूज्ड प्लास्टिक है वो हम लोग ज़िंदगी से कैसे बाहर रखना है, बाहर करना है, उसी के बारे में सोचिए। आप जो रोज़ मोबाइल फ़ोन जो हम लोग लेके जाते हैं, तो रुमाल लेके जाते हैं, कलम लेके जाते हैं, उससे वज़न बहुत कम में जो हम लोग एक छोटी सी तेले भी तो कपड़े के तेले ले चलें, उसी से हम लोग जो प्रयोग है आराम से जो बाहर का जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसको कम कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये हमारे लिए जो और हमारे आगे वाले परिवार के लिए, पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कृपया करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक आज से आप मना कर लीजिए, निषेधित करा दीजिए। जय हिंद। हमने सारे दफ्तर सरकारी कार्यालय में भी प्रतिबंध लगा दिया है, आज से कहीं भी प्लास्टिक सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक और ये थर्माकोल यूज़ में नहीं रहेगा।